गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ अनुमेरा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द हाउ टू सेव न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग एंड आफ्टर कुकिंग। ठीक है, सब्जेक्ट है आपका प्रेपरेशन फूड एंड फीडिंग बेबीज। ठीक है, 10 टिप्स हैं इसके। फर्स्ट है व्हेन पीलिंग द स्किन ऑफ वेजिटेबल्स टू पील एज थिनली एज पॉसिबल। ठीक है, जब भी हम वेजिटेबल्स को पील ऑफ करते हैं तो हमें क्या उसकी जो शिल्क है वो थोड़ी थोड़ी उतारनी चाहिए। द न्यूट्रिशन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कंसिस्टेंट जस्ट बिलो द स्किन। ठीक है, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या है, मतलब जैसे उसकी स्किन के अंदर होते हैं, जैसे पील ऑफ करके जो स्किन आती है उसमें, तो अगर हम उसको बॉयल कर देते हैं, ठीक है, पीलिंग मतलब कि पीलिंग करके उसको बॉयल कर देते हैं, तो वो क्या है, उससे विटामिन सी, बी, फॉलिक एसिड, मिनरल्स, सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर वो जो कैरेट है, रेडिश है, गौर्ड है, जिंजर है, उसको हम स्क्रैप कर सकते हैं, मतलब थोड़े थोड़े छील सकते हैं, पर पील ऑफ नहीं करना चाहिए। पील ऑफ तब करना चाहिए जब कोई वेजिटेबल्स ऐसी हो जिसके जिसमें क्या है नीड है कि उसको पील ऑफ ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डू नॉट कट वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को स्मॉल पार्ट्स में नहीं कट करना चाहिए, इससे क्या है उसमें क्या है इंक्रीज़ हो जाती है उसमें, मतलब कि जैसे बोल सकते हो कि उसमें ऑक्सीजन डिस्ट्रॉइंग मतलब कि मोर होती है, जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल है कि जैसे वेजिटेबल्स को स्मॉल पार्ट में कट है तो उसमें क्या ऑक्सीजन आ जाएगी, मतलब कि एयर एक्सपोजर हो जाएगा उसका। ठीक है, थर्ड है डू नॉट सोक वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को वाटर में सोक करके नहीं रखना चाहिए, इससे कि उसके वाटर में जो है 40% मिनरल्स वगैरह विटामिन जो है वाटर में चले जाते हैं, तो इफ़ यू अगर वो आप सोक करना चाहते हो तो उस वाटर को आप वेजिटेबल के लिए ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे सूप वगैरह। जब आप मतलब सैलड आ गए, सैलड को काट मतलब कि तभी काटना चाहिए जब खाना प्रिपेयर मतलब हो चुका हो और खाना है खाना, क्योंकि अगर पहले ही प्रिपेयर करके रख दोगे सैलड को तो उसमें क्या है एयर एक्सपोजर हो जाता है। नेक्स्ट है डू नॉट थ्रो अवे द एक्सेस वाटर ड्रेन आफ्टर बॉइलिंग राइस और वेजिटेबल्स। ठीक है, जब हम राइस और वेजिटेबल्स को बॉइलिंग करके बनाते हैं तो उसमें क्या है ज़्यादा पानी जो है ड्रेन नहीं उसका करना चाहिए। व्हेन प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज द वाटर लेफ्ट ओवर आफ्टर कडलिंग कार्ड हुए। ठीक है, अगर आप जैसे जब हम जो है कॉटेज चीज़ बनाते हैं जो पानी जो उसका पानी है वो फेंकना नहीं चाहिए, उसको ग्रेवी में या डफ में यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, एंड उसमें क्या लेमन जूस का जो सॉल्ट पेपर का फ्लेवर डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है डू नॉट कीप मिल्क ओपन। ठीक है, मिल्क को ओपन और एक्सपोज नहीं रखना चाहिए, उसको लाइट में एक्सपोजर नहीं रखना चाहिए मिल्क को, उसको क्या कवर करके रखना चाहिए, इससे क्या है उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाती है, रिबोफ्लेविन कैन अक्कर हो सकता है। ठीक है, अक्कर हो सकता है, उसमें आ सकता है। इट इज़ अ नेक्स्ट है इट इज़ अ प्रेफरेबल टू कुक वेजिटेबल इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, जो वेजिटेबल हम कुक करते हैं उसमें उतना ही पानी डालना चाहिए कि हमें वो ड्रेन ना करना पड़े पानी। ठीक है, वाटर के बी इन द वेसल कवर द कंज्यूम इट कैन सून एज पॉसिबल, उसको कवर करके बनाना चाहिए। एंड अगर आप जैसे वेजिटेबल बनी हुई है उसको रीकुक मतलब रीहीट करते हो तो उसमें क्या है विटामिन जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रूट वेजिटेबल्स शुड बी बॉयल्ड विद स्किन ऑन एंड देन पील आफ्टर बॉयलिंग। ठीक है, जो रूट वेजिटेबल्स होती हैं उनको क्या पहले बॉयलिंग कर लेना चाहिए वॉश करके। ठीक है, और उसके बाद उनको पील ऑफ करना चाहिए। ठीक है, दिस हेल्प द न्यूट्रिएंट्स टू माइग्रेट टू सेंटर ऑफ द वेजिटेबल एंड हेल्पिंग वाटर रिटेंशन। इससे क्या है जो न्यूट्रिएंट्स है वो वेजिटेबल्स के सेंटर में मतलब चले जाते हैं और हेल्प मतलब कि इससे क्या है न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी में जाएंगे जो खाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा मेक्स कुकिंग वाटर अल्कलाई एंड दस हेल्प रिटेन द कलर ऑफ वेजिटेबल एज वेल द स्पीड ऑफ द कुकिंग प्रोसेस। ठीक है, जो बेकिंग सोडा अगर हम बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं तो वो क्या है एक तो वो खाना जल्दी बना देगा है ना, तो उसके क्या कलर में भी प्रॉब्लम आएगी, बट इट डिस्ट्रॉय थायमिन एंड विटामिन सी, ये इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट है डीप फ्राइंग एंड हीटिंग। अगर हम चीज़ को ज़्यादा डीप फ्राई कर देते हैं उसको हीटिंग मतलब कि ज़्यादा हीट कर देते हैं लॉन्ग टाइम के लिए हीट कर देते हैं तो उससे क्या है मतलब कि उसके न्यूट्रिएंट्स जो ख़त्म होते ही होते हैं, तो इसलिए हमें क्या है मतलब कि जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो उसको डीप फ्राई नहीं करना चाहिए और ज़्यादा हीट लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को। ये फूड मटेरियल हीटेड अबव 70 डिग्री सेल्सियस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन पर टिन बिकम हार्ड एंड कोएगुलेटेड। ठीक है, अगर हम उसको 70 डिग्री से ज़्यादा हीट करते हैं इतनी मतलब कि ज़्यादा आंच पे उसको गर्म करते तो उसमें क्या है प्रोटीन्स जो है वो हार्ड हो जाती हैं अनकोएगुलेटेड इन द फॉर्म दे आर नॉट ईजली अब्जॉर्ब बाय द बॉडी। ठीक है, तो वो क्या है जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारी बॉडी उसको क्या अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, दस ओवर कुकिंग रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द प्रीशियस न्यूट्रिएंट्स, और इससे क्या है जो प्रीशियस न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा हीट से ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये होगी वाइल्ड कुकिंग, कैसे हमने उसको